प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे। अगला टॉपिक हमारा कोणों से संबंधित है, बहुभुज के कोण। लेकिन उससे पहले एक खास बात जो रैखिक युग्म है वो आपको समझानी बहुत जरूरी है, और ये आपको आती भी है। आपने छठी कक्षा में भी पढ़ा है, सातवीं कक्षा में भी पढ़ा है, पांचवीं में भी पढ़ा है। लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आगे हमारे पास आएंगे, पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे? सबसे पहले तो रैखिक युग्म की ही बात है। हमारे पास ये एक सीधी रेखा है। यहां पे यदि मैं कोई एक बिंदु लेता हूं तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण आप लोगों को पता है कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री का ही होता है। क्योंकि यदि हम डी भी लेते हैं, चांदा जिसको हम बोलते हैं, चांदा हमारा इसी प्रकार का होता है, और उसके ऊपर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री पे जो रेखा होती है, ये रेखा सीधी रेखा होती है, बिल्कुल 180 डिग्री पे, कोई भी हम ले लें, ये बिल्कुल 180 डिग्री पे हमारे पास, तो उसको सीधी रेखा बोला जाता है। और सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये समझ आ गई? दोनों चीज, सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री यदि कहीं कोण बन रहा है तो वो रेखा सीधी होती है। ठीक है, अब इसी रेखा के ऊपर मैं एक चीज ले लेता हूं। ये मेरे पास एक रेखा है और यहां से मैंने एक और कोण काट लिया। इनको मैं नाम दे देता हूं, नाम भी आप लोगों को अच्छे से आते हैं। इस कोण का नाम क्या है मेरे पास? यहां से शुरू होगा, ये सेंटर है बीच में, कोण ए डी सी। क्या हो गया? कोण ए डी सी। और यदि मैं इस कोण का नाम लूं, इधर इधर वाला कोण है, तो ये इसका नाम क्या होगा? ये वाला, क्या ना, ये वाला ए डी बी। क्या हो गया? कोण ए डी बी। इस कोण को मैं ये भी बोल सकता हूं, कोण बी डी ए। और इस कोण को क्या बोल सकता हूं मैं? एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ जाना, बस एक तरफ शुरू होकर दूसरी तरफ, सी डी ए या ए डी सी। समझा गया? अब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है भाई? ये कोण है एक, और एक मेरे पास ये कोण आ गया। इन दोनों कोणों का जोड़, अब इन दोनों कोणों का यदि मैं जोड़ूंगा तो एक सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, अभी हमने देखा है। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ क्या आ गया? 180 डिग्री। और इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब दो कोण है जो एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं, तो उन दोनों कोणों का जोड़ हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब प्रश्न जो हमारे पास आएंगे, ये एक्स दे दिया, कोण एक्स ज्ञात करें। कोण एक्स ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे? अब देखो कोण एक्स क्या है, कोण एक्स मेरे पास ये है और ये 70 डिग्री है। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सीधा, एक्स जमा 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण हमें देना पड़ेगा, कारण हमारे पास क्या है? रैखिक, रैखिक रैखिक युग्म लिख देते हैं, तो समझ जाएगा कि दोनों को एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो उनका जोड़ क्या आएगा? 180 डिग्री। अब हमारे पास x को इधर रखें, इधर क्या है? 180 डिग्री, और 70 डिग्री उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री हमारे पास x आ गया। बस ऐसे ही निकाल लें। आगे और देखिए, कोण ए बी डी क्या करो, ए बी डी, तो हम क्या लिखें? कोण ए बी डी और कोण ए बी सी। देखो इस कोण का और इस कोण का दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म, अभी हमने देखा था, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म लेके। अब ये कोण जहां पे डब्बा का निशान है, ये कितने डिग्री का होता है? सबको पता है कितने डिग्री का होता है? ये समकोण होता है, 90 डिग्री का। मतलब ये कोण 90 डिग्री का दिया है, तो कोण ए बी डी हमें निकालना है, और इसकी जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए बी डी बराबर, इधर 180 डिग्री था, 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया, तो कोण ए बी डी मेरे पास कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया। ये तो सीधा निकल गया, ये तो था निकालने का तरीका। हम सीधा बता भी सकते थे भाई, यदि दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, एक 90 है, तो दूसरा भी क्या हो गया? 90 हो गया। लेकिन हमें गणित में यदि नंबर लेने हैं, देखो ये दिमाग है कि हमें पता है कि 90 आएगा, लेकिन जब तक हम इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, हमें नंबर भी नहीं मिलेंगे,
और आगे जो प्रश्न हम और हल करना चाह रहे हैं उसमें भी हमें दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए ये स्टेप सीखने आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमारे पास आ गया। और किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, अब यहाँ पे भी इस प्रकार से आ सकते हैं। देखो ये भी सीधी रेखा है, देखो ये सीधी रेखा है, दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर ये दोनों कोण बढ़ रहे हैं। ये देखो सीधी रेखा पे किसी भी तरफ दोनों कोण बढ़ सकते हैं। अब मेरे पास ये सीधी रेखा है, यहाँ पे रेखा है, तो एक कोण ये ऊपर बन रहा है, नीचे भी तो बन रहा है, ऊपर भी 180 डिग्री है, नीचे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y जमा 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कारण क्या देंगे, रैखिक युग्म। फिर वही y बराबर यहाँ कितना हमारे पास 180 डिग्री, और 80 डिग्री इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। तो आशा है आपको रैखिक युग्म अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे उसके अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी ये प्रश्न कीजिए जो दे रहे हैं और अपने अध्यापकों को लिखाइए।